आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में चुनाव का माहौल काफी गर्म है, तो वहीं रायपुर विधानसभा में भी जनता में काफी उत्साह दिख रहा है। आज रायपुर विधानसभा की जनता उमेश कौशिक शर्मा के लिए समर्थक देते दिखी, तो वहीं हमारी बात उनके विधानसभा के कुछ पार्षदों से हुई, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की मुजबानी, क्या रहे विकास कार्य रायपुर विधानसभा में। न्यूज 9 भारत के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। ये आप भी देखते होंगे कि रायपुर की जनता काऊ को बहुत प्यार करती है, और पिछला जो 36,766 का जीत का रिकॉर्ड था उसको तोड़ के दुगना करने के लिए जनता अपने वोट का प्रयोग करेगी। और आप रायपुर विधानसभा की बात करें तो ऐतिहासिक कार्य, जो वो व्यक्ति जिसने कोरोना काल में भी अपने घर परिवार की सबको छोड़ कोविड सेंटर में 24 घंटे पड़े रहने का कार्य किया, मैं उसका बड़ा भाती वो हूँ कि मैंने देखा है कि एक एक बजे भी हमारे माननीय विधायक जी द्वारा रात को हमने जब कांटेक्ट किया तो उनसे हुआ, लोगों को बेड दिलाने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का काम किया। क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ मरने वाली स्थिति करते हैं, अपनों से भी लड़ जाते हैं जब अपने क्षेत्र के विकास की बात होती हो। मैं भी इसी विधानसभा का हूँ और वार्ड 62 में मैं रहता हूँ। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि रोडों की बात आपने की है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ 90% रोड हमने सारी कंप्लीट कर दी है। पानी की हमारे यहाँ समस्या थी, हमारे यहाँ 4-4 ट्यूबवेल खुद गए हैं, पाइपलाइन डल रही है, अगले एक महीने के अंदर सारी चीज़ें सुचारू हो जाएंगी। तो जितना काम इन्होंने किया है मुझे नहीं लगता कि किसी और विधायक रहते हुए किया होगा। तमाम विकास कार्य किए हैं और जितनी हमारे मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, सड़क बिजली पानी, तो तमाम आज तक इतिहास गवाह है, इतना कार्य कभी हुआ ही नहीं है। तमाम पेयजल योजना है, केवल मेरे वार्ड में 10 करोड़ से अधिक की तो पेयजल स्वीकृतियाँ हैं। हर क्षेत्र में ट्यूबवेल बन रहे हैं, ओवर हेड टैंक निर्माण हो रहा है, तो बहुत कार्य हुए हैं, पुल स्वीकृतियाँ हैं और बिजली के इतने कार्य हुए हैं, तो बहुत बहुत विकास हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।